जहाज है, तो मैंने उसके लिए देखो क्या करा है। 1 2 3 गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं दिन के, और हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है, ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। एक्चुअली हम लोग अभी जस्ट उठे हैं, मैं अपनी बता रहा हूँ, इन लोगों का मुझे पता नहीं कब उठे हैं, बच्चों का भी मुझे नहीं पता कब उठे हैं। हाँ बट कब सोए हैं मुझे पता है। एक्चुअली मैं एक तो सो गया था टाइम पे ही, मतलब के 1 बजे के बाद सो गया था मैं। बट मीक का को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्या हो रहा था, जैसे ही मैं इसे सुला रहा हूँ गोदी में सो रही है अच्छे से, उसके बाद मैं इसे जब लेटाने जा रहा हूँ उठ जा रही है, फिर मैं आ रहा हूँ वापस इसे गोदी में लेके, फिर सो जा रही है गोदी में, फिर इसे लेटा रहा हूँ बिस्तर पे, फिर उठ जा रही है। तो ऐसे करते 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 इसने 2 बजाए हैं, 2 बजे सोई है, 2 नहीं 2:30 बजे सोई है, उसके बाद 2:30 बजे मैं सोया हूँ, और फिर अभी हम लोग अभी उठे 11 बजे के आसपास उठा मैं जस्ट अभी। खांसी बहुत हो रही है, खांसी दवाई ले लूं मैं? हैं ये कह रही है मेरे को, कर दो पहले फिर ले ले। खांसी की दवाई ले लूं? हैं ले लूं, रोगे नहीं तो। और ये गाइस बच्चे ना रो रहे हैं बिस्तर पे लेटाते, इसलिए एक को देखो निष्ठा की मॉम ने पकड़ा हुआ है, एक को मैंने पकड़ा हुआ है, तब से ऐसे ही हो रहा है। आदि जी नहीं आएगी, आज इनकी मेड भी नहीं आएंगी, तो आज हमें एडजस्ट करना है। तो अभी निष्ठा की मॉम भी बस खिला रही है थोड़ा बच्चों को, उसके बाद फिर हम लोग जब बच्चे थोड़ा बहल जाएंगे तब फिर हम ब्रेकफास्ट वेकफास्ट कुछ बनाएंगे, तब जाके कुछ खाएंगे, अभी तो फिलहाल के लिए ऐसी है। तो बस निष्ठा कल से स्कूल जाना है, आर यू रेडी फॉर गाइस? ओ दिलवा कर रहे हो चाय बना रहे हो वही मसाला और उसके साथ चाय ब्रेड। तो अच्छा है, ब्रेड ही खा लेते हैं, बन रही है चाय और साथ में खाएंगे ब्रेड एंड बिस्किट। सरप्राइज तैयार है, तो देखो गाइस मैंने इतनी स्टक लेके आ गया, वो हमसे नाराज है, तो मैंने उसके लिए देखो क्या करा है। ये वाली लाइट लगा दी है यहाँ पे, और अब निष्ठा को बुलाएंगे, आ जाओ। एक्चुअली ना निष्ठा आ नहीं रही है उस रूम में, क्योंकि वो हमसे नाराज है। नाराज इसलिए है क्योंकि वो चिप्स मांग रही थी ब्रेकफास्ट करने के बाद कि मेरे को चिप्स दे दो, तो मैंने मना कर दिया अभी नहीं बाद में लेंगे। तो अब निष्ठा को हम बुला रही है तो आ नहीं रही है, अभी भी वही नाराज ही है वो, तो मैं बोल रहा हूँ चलो उसको पहले चिप्स दे देता हूँ। इसे लेके आ जाओ, सरप्राइज देखने आ जाओ, खड़े हो। आईज क्लोज करो इसकी, हाँ कर ढंग से। दिख रहा है? आईज क्लोज करो। 1 2 3 कैसा लगा? उसको नहीं लेके आया, आईज क्लोज कर गया यार, उसको भी देखना है। वो भी उठ गया। देखो आपके रूम में मॉम ने लाइट लगा दी, कैसी लग रही है? अच्छी है ना? ये लो चिप्स खाओ, चलो। देख रहे हो गाइस, एक को मनाते हैं तो दूसरा रूठ जाता है, निष्ठा को मनाया तो निष्ठा का भाई रूठ गया, अभी इन्हें मनाना पड़ेगा हमें। चलो इसको उठाता हूँ गोदी। तो गाइस यहाँ पे भी लगा दिया निष्ठा की मॉम ने एक लाइट मीक और मीका के रूम में। यहाँ पे कैसी लग रही है टीचर? गाइस अभी दिन भर की भाग दौड़ के बाद अभी हमारे एक्चुअली क्या हुआ था कि गीजर जो हमने खरीदा था ना, वो गीजर इंस्टॉलेशन के लिए आया था भैया, वो गीजर इंस्टॉल करके चला गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है? ये देखो हमारा गीजर यहाँ पे लग चुका है। एक्चुअली निष्ठा की मॉम पानी में बर्तन धोती है, हाथ धोती है ठंडा पानी, फिर उससे बच्चों को दिक्कत ना हो, इसीलिए हमने गीजर लगा लिया कि अब यहाँ से गर्म गर्म पानी आएगा, अपना आराम से यूज करो, जितने मर्जी बर्तन धो। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच भी है, तो मैं वही देख रहा हूँ सुबह से ही, मतलब मजा नहीं आ रहा मैच देखने में। जो इंडिया की सिचुएशन है इस टाइम पे, अब इंडिया के 8 विकेट आउट हो चुके हैं 224 रन पे, और अभी देखते हैं क्या होता है आज के मैच में। वैसे तो पूरी उम्मीद है कि इंडिया को जीतना चाहिए,
सूर्य कुमार यादव आउट। तो गाइस फाइनली इंडिया ने बनाए हैं 240 रन, जो कि है ठीक ठाक स्कोर है, ठीक है, उतना भी अच्छा नहीं कहेंगे, बट इंडिया की बॉलिंग अच्छी है तो उस हिसाब से देखो क्या होता है इंडिया। तो गाइज अभी एक्चुअली निष्ठा की मॉम बोल रही थी बहुत देर से कि ना जितना भी ऐसे किचन में सामान रखा हुआ है निष्ठा की मॉम ने बॉट अपनी छोटी छोटी शीशियों में, जैसे चाय पत्ती चीनी, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसमें रखा हुआ है ना, इसमें चाय पत्ती, इसमें हल्दी, इसमें चाय पत्ती, इसमें मिर्च, जितने भी हैं मसाले, चीनी वीनी, सब कुछ इसमें रखा हुआ है। तो निष्ठा की मॉम की ये कंप्लेंट है कि आप इसमें रख तो दिया है, बट आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसमें ना एक पर्ची चिपका दो। तो अभी मैंने पर्ची काट काट के निष्ठा को दे दिया, निष्ठा उन पर कलर कर रही है, फिर मैं उन पर लिख दूंगा नाम, फिर हम वो चिपका देंगे इन शीशियों। अभी मैं चीज कह रही थी कि है ना, पता है क्या क्या मिही को वहां पर लिटा दिया, हमसे पूछा बताओ मिही का है, हमने जवाब दिया बिस्तर पर, बिस्तर पर। हाँ, फिर डैड ने कहा ईशा के रूम में, फिर मैं ऐसे गई, फिर ऐसे देखो ऐसे हुआ, फिर तो गाइस यहाँ पे देखो अभी हमारे तीनों बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये रे, और अभी निष्ठा की मॉम बना रही है कुछ खाने का। क्या बना रही हैं? आई थिंक चाप बना रहे हो ना, चाप बना रही हैं गाइस। एक्चुअली मैं चाप लेके आया था, तो निष्ठा की मॉम बना रही है, साथ में क्या बनाओगे उसके? चावल बनाओगे? चावल बनाएंगे साथ में, तो चाप और चावल खाएंगे हम, आप भी खाओगे? तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ चाप, और चाप आप सोचते हो गए बहुत ज्यादा ही चाप चाप करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए बना रही हूँ। देखो सब्जी भी आजकल बहुत महंगी ही आ रही है, चाप भी उतने में थोड़ा और महंगा पड़ जाता है, क्रीम व्रीम डाले नहीं, अगर मसाला चाप बनाए तो चाप के पैसे जाते हैं, बट मैं इसलिए करती हूँ थोड़ा हेल्दी हो जाता है मेरे लिए भी, बच्चों की डाइट, बच्चे फीड करते हैं तो, और सबके लिए ये, वरना तो कहाँ खाया जाता है। सब्जी भी हेल्दी ऐसी बात नहीं है, बट इससे टेस्ट और अच्छा आ जाता है। तो मैं भी फ्राई कर रही हूँ, और मैं इसको कढ़ाई में ही करूंगी क्योंकि कुकर में स्पेस नहीं है, तो पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ बस, और बनी गई है ऑलमोस्ट। पीछे हो जाओ आप, तो गाइस इंडिया फाइनली मैच हार चुकी है, और आप लोगों को भी पता चल ही चुका होगा अब तक, तो क्या करें, पूरी सीरीज अच्छा खेले, एक भी मैच नहीं हारी इंडिया, कंटिन्यू एक एक मैच जीती, लास्ट मैच जो फाइनल मैच था जिसमें परफॉर्म करने की बारी थी, वही मैच हार गई, बट कोई बात नहीं, क्या करें, और हारी भी तो किससे, ऑस्ट्रेलिया से, कोई बात नहीं, छोड़ो, क्या कर सकते हैं। बाकी गाइस हाँ, हमारा जो है मीका भी सो गई है, मीक जगा हुआ है, निष्ठा की मम्मा उसको सुला रही हैं, और फिलहाल जो मैंने बताया था ना आपको कि निष्ठा कलरिंग कर रही है, उसमें मैं नाम लिखूंगा, और उसके बाद हम उसको चिपकाएंगे सारे स्पाइसेस पे, तो अभी चिपकाने का काम हम आज नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर ना टेप चाहिए, ट्रांसपेरेंट टेप, मैं सोच रहा हूँ ट्रांसपेरेंट टेप है नहीं यहाँ पे, है नहीं ना ट्रांसपेरेंट टेप, नहीं वो नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, तो नहीं है, तो मैं कल लेके आऊंगा फिर ट्रांसपेरेंट टेप, उसके बाद हम चिपकाएंगे, कल लेके आऊंगा मैं, वो मैं देख लूंगा, बट है नहीं मुझे पता, है ही नहीं, आप कर लो चेक, तो उसको हम चिपकाएंगे कल, बाकी लिख के आज रख लेते हैं उनको। तो गाइस ये सारी देखो पर्चियां जो हमने निष्ठा से कलर करवा दी है, अब इसमें मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ऐसे करके यहाँ पे नाम लिख दूंगा, जैसे नमक, चीनी, चाय पत्ती, मसाला चाय, अदरक चाय, ऐसे करके सब कुछ लिख दूंगा इसके ऊपर, और फिर इसको मतलब इसमें दो पर्ची बनाएंगे हम, एक ये वाली एक ये वाली, तो एक को एक चिपका देंगे एक चीज पे, एक को एक चीज पे, सब लिख देंगे वो मम्मा बताएगी क्या, ये देखो ऐसे करके मैंने लिख दिया, कोरिएंडर पाउडर, ठीक है, ये सब्जी मसाला, मसाला टी, अदरक टी, सॉल्ट, शुगर, और भी हैं अभी बहुत सारी लिखने के लिए, तो अभी इनको लिख लेंगे, बट उनके बाद इनको चिपकाएंगे कल, तो कल मैं आपको दिखाऊंगा लगने के बाद ये कैसी लग रही हैं सारी, ये देखो इसको टेप लगा के चिपका देंगे ऐसे करके, तो ऐसे करके आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी दूर से ही। लेकिन डैड ये चिट अच्छी नहीं लगती, ये आपको पतली पतली बनानी चाहिए थी, कोई बात नहीं, जैसी है बन गई ठीक है, अगर पसंद नहीं आई है तो जिसको जो बनाने हो।